नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत साथ, मैं हूं पुनीता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको कोरोना अपडेट बताएं, क्या कुछ पूरे भारत में हालात कोरोना को लेकर बने हुए हैं। तो भारत में संक्रमितों की संख्या 1.25 लाख के पार हो गई है, तो मौत 3,726 हो चुकी है। राहत की बात यह है कि 51,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। एक दिन में 6,500 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 142 लोगों की जान भी गई है। बात महाराष्ट्र की कर ले तो महाराष्ट्र में अब तक 1,517 लोगों की जान गई है, तो वहीं 44,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। दिल्ली में 12,000 के पार केस और 208 मौत अब तक हो चुकी है। तो भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ मामले मिले हैं, 6,654 मामले 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। तो लगातार चिंता का विषय अब बढ़ता जा रहा है, चिंता बढ़ाई है पूरे आंकड़े ने। तो पूरे भारत की तस्वीर देखिए तो यहाँ पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, 1,25,000 से ज्यादा मामले। झारखंड की बात करें तो कुल संक्रमित यहाँ पर अब 330 हो चुके हैं। बिहार 2,166 संक्रमित, जबकि 11 लोगों की मौत इस बीमारी की वजह से हो चुकी है और 629 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 44,582 देखिए, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा संक्रमण का ये राज्य बन चुका है। लगातार यहाँ पर संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। तमिलनाडु में 14,000 से ज्यादा मामले, दिल्ली में 12,319 संक्रमित, 208 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5,000 से ज्यादा ठीक भी हुए हैं। तो राहत की खबर तो मिली रही है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है ये भी चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश में 6,000 से ज्यादा मामले, गुजरात की बात करें कुल संक्रमित यहाँ पर 13,000 से ज्यादा हो चुके हैं, और पंजाब की बात करें तो 2,029 संक्रमित और 39 लोगों की जान जा चुकी है इस महामारी की वजह से। राजस्थान की बात करें तो 6,542 लोग संक्रमित हो चुके हैं, और उत्तर प्रदेश की देखिए 5,735 लोग संक्रमित हैं और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश 2,667 संक्रमित पाए गए हैं। तो हर एक राज्य में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती जा रही है, और चिंता का विषय यही कि आखिर इस संक्रमण को कैसे रोका जाए, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन 4 में जो छूट दी गई है इससे कहीं ना कहीं लोग भी लापरवाह हो चुके हैं। और लगातार हर राज्यों से, हर जिलों से जो तस्वीर आ रही है वो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। तो अभी भी खतरा टला नहीं है, लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, तो सावधान रहने की अभी भी बेहद जरूरत है।